नमस्कार, मैं हूँ रुकमणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। इस समय हम आपको सोनीपत में लेकर आए हैं, जहां हम आपको ये दिखाएंगे कि जो सोमानी सीड्स हैं वो फार्मर्स को लाइव डेमोंस्ट्रेशन कैसे करा रही है। यहां पर बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ के, चाहे वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो या चिलीज हो, इन सब की काफ़ी वेराइटीज़ हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सोमानी सीड्स के एमडी यानी कमल जी जुड़े हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि ये जो उन्होंने शुरू करा है कंपनी, उसका मोटिव क्या है। जी सर बताइए। ऐसा है, मैं एग्रीकल्चर फील्ड में पिछले 41 साल से हूँ। जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद में 2012 में ये सोचा गया कि भाई मेरा नॉलेज जो है वो आगे किसान भाइयों को मिलते रहना चाहिए और आगे तरक्की होती रहनी चाहिए, उनको कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये वापस कंपनी हम लोगों ने चालू करी है और नई नई चीज़ हम लोग डेवलप करते हैं। किसान को क्या चाहिए उनसे बात करते, हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग बात करते और उनको जो चीज़ चाहिए उसके अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट करके किसान भाइयों को कैसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उस टाइप की वेराइटीज़ निकालते हैं। ये इसी एक चीज़ का एक उद्देश्य था कि भाई हमारा नॉलेज जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो मिलते रहना चाहिए। ये पिछले 7-8 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे कोरोना के वजह से बीच में 1 साल बंद था, तो वो अब वापस हम शुरू किए। अब कोरोना का प्रभाव कम है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इस साल वापस शुरू किया है कि हर साल निरंतर चलते ही रहेगा ये। कमल जी, सोमानी सीड्स की अब फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? ऐसा है कि कॉलीफ्लावर में और क्या हम लोग अर्ली सेगमेंट में बढ़िया चीज दे सकते हैं, गाजर में और हम लोग क्या क्या नई क्रांति कर सकते हैं, कितनी अर्ली अभी गाजर को, जैसे 100 देसी रेट जो गाजर होती है उसमें 110 दिन लगते हैं, तो बहुत समय लेती है। तो हमारा जो नया हाइब्रिड जो बना रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि वो 65 दिन में 70 दिन में तैयार हो जाए। तो उसके हिसाब से नई नई सोच और बैंगन में और बिना कीड़ा लगने वाला बैंगन हम तैयार कर सकते हैं क्या, मिर्च के अंदर हम लोग वायरस टॉलरेंट तैयार कर सकते हैं क्या, तो इस टाइप से नए नए चीज़ क्या बना सकते हैं, इसकी सोच करके हमारे साइंटिस्ट लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो मूली दे रहे हैं तो मूली 28 दिन में तैयार हो जाती है। धनिए की पौध तैयार होने में, यानी जर्मिनेशन होने में वो 21 से 25 दिन लगता है, जबकि मूली 28 दिन में तैयार हो जाती है। तो किसान बोने से लगा करके हार्वेस्टिंग तक के 35 दिन में खेत खाली कर लेता है और उसको 2.5-3 लाख रुपए का मुनाफा होता है एक महीने के भीतर। तो ये इस टाइप की सोच है हमारी कि भाई किसान को ज़्यादा से ज़्यादा कैसा हम फायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये निरंतर चलता रहेगा हमारा इम्प्रूवमेंट करने का काम। और जो ठंड की मूली है वो हम लोग अभी जो दे रहे हैं वो 38 दिन में तैयार हो रही है, तो वो भी यानी जो नॉर्मल मूली जो बाजार में है वो 55 दिन लेती है और ये 38 दिन 40 दिन में हम लोग ठंड की मूली तैयार कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि 10-10 दिन 15-15 दिन जो किसान के खाद पानी और जो सारा वो करता है वो बच जाता है। तो इस टाइप से नई नई इम्प्रूवमेंट चल रही है हम लोगों। नमस्कार मैम, यहाँ जो हमारे यहाँ जो वेजिटेबल की लगभग सारी क्रॉप लगी हुई है, जैसे हमारे पास कॉलीफ्लावर है खुशी के नाम से है और अपने पास बंद गोभी का है, बुलेट इम्प्रूव है, तेज इम्प्रूव है, अर्ली जादू है, फिर हमारे पास मूली हाइब्रिड जो वेराइटियाँ हैं ये HRD 34 के नाम से है, SKS 55 के नाम से है, फिर हमारे पास जो है मूली 135 है और अपने पास मिर्च की वेराइटियाँ हैं जिसे देसी हॉट हो गई है, बहुत अच्छी वेराइटी है, फिर इसके बाद से मिस्टिका एक वेराइटी है, फिर टोमेटो में अपने पास जो है अनमोल इम्प्रूव बहुत अच्छी वेराइटी निकली है, फिर गाजर है अपने पास हाइब्रिड लाल विलायती में जिसको लेट तक सोइंग भी कराते हैं और लेट तक चलती है, उसको रेड क्वीन के नाम से मतलब बोलते हैं, फिर उसके बाद से वंडर रेड है देसी में जो हाइब्रिड है,
और इस टाइप से सारी लगभग जो है ऑलमोस्ट जो वेजिटेबल चलती हैं सारी चीजें यहाँ डेमोंस्ट्रेशन में लगी हुई है। देखिए किसानों को इससे फायदा ये मिलता है कि यहाँ पे जो कंपनी के नए नए ट्रायल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि नई वेराइटीज कंपनी ने अब पिछले रेगुलर 10 सालों से जो डेवलपमेंट चल रहा है हर साल उसमें क्या क्या सुधार हो रहा है। जैसे कोई नई वेरायटी कैबेज की आ रही है, कोई नई वेरायटी गाजर की आ रही है, मूली की आ रही है, मिर्च की आ रही है, टमाटर की आ रही है, तो हर फील्ड में सोमानी सीड बहुत अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो उससे किसानों को हमें नई क्रॉप से हमें अलग अलग तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि हमें किसी में बीमारी नहीं आ रही है, किसी में गलन की शिकायत आती है किसी क्रॉप में तो उसको दूर करा जा रहा है, तो वो सब चीज़ों को किसानों को दिखाया जाता है यहाँ पे कि कैसे हमें अपनी खेती को आगे बढ़ाना है। और मोदी जी का जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार है कि किसान की आय को दुगना करना है, उसके लिए सोमानी सीड काम कर रही है इस समय। जी सर एक सवाल और कि जो सीड्स है सोमानी सीड्स, ये और सीड्स से कैसे अलग है? देखिए क्या है कि जो सोमानी सीड है ना, जिसे और कंपनियां जो काम कर रही हैं, जिसे रेडिस पर ले लो आप, मूली लोगों की 50-55-60 दिन में आ रही है, हमारी जो सोमानी सीड कंपनी है वो चाह रही है किसानों को दुगना मुनाफा हो, जिस हिसाब से भाई साहब ने बोला मोदी जी के जो उसको उन्होंने पूरा कर रही है सोमानी सीड, सही बात है। जिसे मूली और कंपनियां 50-60 दिन में तैयार कर दी, हमारी कंपनी 28-30 दिन में मूली मतलब तैयार कर रही है। दूसरी जो एक मूली आती है 2.5-3 महीने में तैयार होती है, उस मूली को कंपनी ने 35-40 दिन में टाइम लाया है। जैसे फूल गोभी है और कंपनियां तैयार करती हैं 70-80 दिन 90 दिन में, हमारे पास एक अर्ली बरखा गोभी है वो 50-55 दिन में तैयार होती है, एक खुशी के नाम से है वो अपना 65-70 दिन में तैयार हो जाती है, तो हमारे पास बंद गोभी है। इसी तरीके से रेगुलर किसानों की जो डिमांड्स आ रही हैं, जो उन्हें बदलाव चाहिए उसको तेजी से बदलाव करके उसको हम मार्केट में वैरायटी को डाल रहे हैं जो किसानों की दिक्कत खत्म हो जाए, किसानों को जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी पिछले 7 सालों से इस बीज के व्यापार में है, इस बीज जगत में, और जब से उन्होंने व्यापार शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैं बहुत पहले दिन से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी सोमानी जी के साथ मैंने काम किया है, तो इनका कोई भी प्रोडक्ट जो आज तक कभी कोई फेल नहीं हुआ, क्वालिटी वाइज बिल्कुल पूरा एश्योरेंस रहता है इनको, जो ये बताते हैं बिल्कुल वही रहता है। और एक बार जो किसान को एक बार दिया कोई प्रोडक्ट तो बिल्कुल वो रेगुलर चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि हाँ एक बार दिया कोई नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मूली गाजर हो, चाहे वो कॉलीफ्लावर कैबेज भी हो, और तभी उस क्वालिटी की वजह से समझिए कि इतने शॉर्ट पीरियड में ये अपनी ऐसी आइडेंटिफिकेशन इन्होंने बनाई है कि जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां और हैं उनके साथ भी इनका नाम जो है, कई किसी भी सीड इंडस्ट्री में अगर का नाम अगर लिया जाए, प्रोडक्ट का नाम लिया जाए तो इनका नाम तो जरूर आएगा किसी भी।